नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का करियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आज 26 मई है और 26 मई को यदि देखा जाए तो वन रक्षक जेल प्रहरी का जो पेपर है वो हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न आ गए हैं हमारे पास में, जिसका एनालिसिस हम लोग इस पूरी क्लास में करेंगे। याद रखिए दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, एक घंटे बाद सेकेंड शिफ्ट का भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ने के बाद ही आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी, क्योंकि जैसे ही क्लास समाप्त होगी हम लोग इसमें उसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। आप लोग डाउनलोड करके उसको आराम से जब भी मन पड़े देखिएगा, क्योंकि ये आगामी समय में यदि आपका पेपर है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी क्लास आए वो आप लोग पास में नोटिफिकेशन के साथ आए और आप लोग जागरूक हो गए उसको तुरंत देख सकें। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज की डेट में आए गए थे। प्रश्नों का कुछ लेवल दोस्तों चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है ये आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, टेड्रोस एडहानोम गेब्रियासिस किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों किसके हैं ये? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। मैं यहां से पेन को सिलेक्ट कर लेता हूं। टेड्रोस एडहानोम गेब्रियासिस किस संगठन के अध्यक्ष हैं? तो WHO के, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। चूंकि इससे प्रश्न आ चुका है तो हमको मुख्यालय भी याद होना चाहिए। टेड्रोस एडहानोम विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की भूमिका में पहले, इस बात को याद रखिएगा, पहले गैर चिकित्सक और अफ्रीकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। क्लियर, आगे चलते हैं। WTO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नगोजी ओंकोजी आई वियेला। नगोजी ओंकोजी आई वियेला को विश्व व्यापार संगठन WTO किसके? WTO के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति हुई है। इवेला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक बनी है। यदि आप लोग मुझसे काफी पहले से जुड़े हैं दोस्तों तो इस पे अपन ने काफी चर्चा की थी। कारण यह था कि एक तो वो महिला है, दूसरी बात अफ्रीकी है। अफ्रीका अगर देखा जाए तो पूरे महाद्वीपों में सबसे ज्यादा गरीब देश माना जाता है, और वहां से यदि कोई व्यक्ति आते हैं तो काफी ज्यादा उनका नाम भी होता है। ऊपर से वो महिला भी आई है, तो इससे ये भी होता है कि ये काफी जागरूक हो गए हैं, है ना। और जागरूक ही एक तरीके से देखा जाए तो मनुष्य होने की पहली प्रायिकता होती है। यदि वो जागरूक नहीं है तो वो काफी पीछे चला जाता है ना। चलिए, यह विकास अर्थशास्त्री हैं और पूर्व में नाइजीरिया के वित्त मंत्री, याद रखिएगा, ये पूर्व में नाइजीरिया के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है। देखिए कितने महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया। पूर्व महानिदेशक रॉबर्ट अजावेदो का स्थान उन्होंने लिया है। ये भी याद रखिएगा कि इसके पहले कौन थे, तो रॉबर्ट अजावेदो या अजय वेदो। यह 1995 में स्थापित हुआ था, क्या यही WTO, तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें सदस्य देखे जाएं तो 164 सदस्य हैं, तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो अधिकतर आदमियों ने कर दिया होगा इसको सही, है ना, जिनको थोड़ी बहुत पुस्तकों से लगाव होगा। ये चेतन भगत हैं, बहुत ही मशहूर लेखक हैं दोस्तों। चेतन प्रकाश भगत एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, बॉलीवुड पटकथा लेखक हैं और एक प्रेरक वक्ता भी हैं। आप लोगों ने कईयों बार इनको यूट्यूब पर देखा होगा। उन्होंने ही बहुत सारे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं, इन उपन्यासों को भी याद रखिएगा दोस्तों। द गर्ल इन रूम, वन इंडियन गर्ल और हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड इनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए तो ये यहाँ पर नाम थोड़ा हो गया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉर्ड डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी। ये प्रश्न था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को ही जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई। भारतीय रेलवे का मुख्यालय इस समय अगर देखा जाए तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत की पहली रेल मंत्री यदि देखी जाए तो जॉन मथाई थे, याद रखिए। कौन थे? जॉन मथाई। और इन्हीं जॉन मथाई ने भी पहला रेलवे का बजट पेश किया था, स्वतंत्र भारत के लिए पहला रेल बजट जॉन मथाई ने नवंबर 1943 में पेश किया था। भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली रेल मुंबई से थाने तक की दूरी में चली थी। क्लियर है, कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने, थाने आता है कहीं कहीं, ये ना थाने भी आता है, अधिकतर जगह आप लोग थाने ही देखते होंगे। क्लियर। हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन स्पाइडर मैन का डायरेक्टर निर्देशक कौन है? तो जॉन फेवरो जो है वो आयरन मैन के हैं और कैंप पावर्स स्पाइडर मैन के। इन दोनों को याद रखिएगा आप लोग, जॉन फेवरो आयरन मैन के और कैंप पावर्स स्पाइडर मैन के। ये आज का जो प्रश्न अगर देखा जाए तो ये प्रश्न थोड़ा अलग हटकर आ गया है, हॉलीवुड से संबंधित प्रश्न आ गया है। ठीक है दोस्तों, जीके है, जीके में कुछ भी आ सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को ये पता पड़ेगा कि आज जो नंबर का स्कोर रहा है वो कितना रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम कि मैथ में कौन से क्वेश्चन आए थे और इंग्लिश में क्या रहा, है ना, तो देखते आइए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? देखिए 338 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे पूछा जाता है और मध्य प्रदेश में ये काफी पूछा जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, क्योंकि हमको पता है कि यदि हम एसटी की बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है ना। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना संविधान कानून के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी के उद्देश्य से की गई थी। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरीके से देखा जाए तो यह संविधान में अनुच्छेद होता है दोस्तों 338। आप लोगों ने यदि टीएससी वगैरह की तैयारी कर रखी होगी तो आप इसकी महत्वता को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो यह सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। किसको दिया गया है? सूर्य कुमार यादव काफी फेमस व्यक्ति है दोस्तों। सूर्य कुमार यादव को विजडन 2023 लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के तौर पर शामिल किया गया है। बीते सालों में T20 क्रिकेट में धुआंधार बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। मुझे काफी पसंद है ये। चलिए, ग्वालियर का बाग किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ग्वालियर का जो बाग है वो हस्तकला और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण भारतीय शहरों में से एक है। इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया है। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया है। जिब्राल्टर अधिकतम हम उस जगह के लिए प्रयुक्त करते हैं जहां से एक तरीके से देखा जाए कि दो बड़े भूभाग आपस में जुड़ते हों और वो एक ऐसी बीच की जगह जहां से आना जाना संभव हो, उसी को जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्योंकि मान लीजिए वो स्थान नहीं है, उस स्थान पर किसी दूसरे विरोधी व्यक्ति का अधिकार है, तो उस क्षेत्र में जा पाना असंभव होता था, इसीलिए उसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोह के प्रमुख स्थलों में से यही था। दूसरी बात, सिंधिया जो आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, उन लोगों का गढ़ भी टोटल ग्वालियर ही रहा है। आते वो लोग शिवपुरी से हैं, लेकिन ग्वालियर वाला क्षेत्र पूरा का पूरा उन्हीं का गढ़ था। एक तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो भी ग्वालियर में हुई है, लड़ते हुए वहां पर शहीद हुई थी। एक बहुत ही ट्रेंडिंग में प्रश्न रहता है कि तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो वो भी ग्वालियर में ही है। चलिए आगे चलते हैं। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे को मिला है? तो देखिए दोस्तों, पुरस्कार से एक प्रश्न आ रहा है, अमिताभ घोष को मिला हुआ है। 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला। अमिताभ घोष जो है, इनका जन्म यहाँ पर है तो 11 जुलाई 1956 को, एक भारतीय लेखक है। वह अपनी अंग्रेजी भाषा के ऐतिहासिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा के। जी शंकर ग्रुप मलयालम कवि हैं। पहले भारतीय लेखक थे जिन्हें उनके संकलन ओड़क कुझूल के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्लियर है, तो इसको भी फैक्ट को आप याद रखें। और पहली महिला पुरस्कार विजेता आशा पूर्णा देवी थी जिन्हें उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इससे काफी प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअल किस राज्य में शामिल हुए? तो दोस्तों किसमें शामिल हुए थे? गुजरात में। प्रधानमंत्री ने गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में देश भर के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों ने भाग लिया। सम्मेलन की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, यहां से गुजरात के मुख्यमंत्री को भी याद रखें, के स्वागत भाषण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के भाषण से हुई। ये याद रखिएगा, ठीक है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा शरणार्थी किस देश में आए हुए हैं? तो याद रखिएगा, आइसलैंड। ग्लैप माइग्रेट एक्सपेंस इंडेक्स 2022 के मुताबिक पहले दो नंबर पर आइसलैंड और न्यूजीलैंड है शरणार्थियों के मामले में। यह सबसे ज्यादा शरणार्थियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वीकार करना भी तो जरूरी है, तभी तो नंबर वन पे आएंगे। मान लीजिए हम स्वीकार ही नहीं करेंगे शरणार्थियों को, शरणार्थियों को स्वीकार दोस्तों वही कर पाते हैं जिनके पास में पर्याप्त भूमि भी हो और सबसे बड़ा उनका मन हो और इसके अलावा उनके पास वो धन धान से संपन्न भी हो। अब मान लीजिए जमीन ही नहीं है, दूसरा लोग आए, दूसरे लोग आए जा रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए, खुद की व्यवस्था नहीं बन पा रही, दूसरों के लिए बनाते फिर रहे, तो गड़बड़ हो जाता है। भारत जैसे देश में यही है। भारत में यदि देखा जाए कि शरणार्थी जब बाहर से कम मात्रा में आते हैं तो चल जाता है, लेकिन यदि ज्यादा मात्रा में आने लगते हैं तो समस्याएं खड़ी होने लगती हैं और सरकार फिर इनके प्रबंधन के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास अलग से करती है। चलिए आगे चलते हैं।
कूट मिलान करिए, फीफा वर्ल्ड कप 2014 का शुभंकर फुलेकू था, कौन था? फुलेकू, और कॉमनवेल्थ गेम 2018 का शुभंकर बोरेवी था। इस तरीके से आया था दोस्तों, तो दो ही प्रश्न आ पाए हैं। MSME ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोटक आदित्य टाटा के साथ एक ये प्रश्न था। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कम से कम 14 दिन पहले। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति आते हैं या हैं, उन्हें 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, ये तो हम सबको पता है। उसे उन्हें किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य हों, है ना? राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनके लिए क्या प्रायिकता है, ये उनके पास में होनी चाहिए। इनका जो चुनाव है देखा जाए तो दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है या उसके माध्यम से चुना जाता है। दोनों बातें सही है। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी, याद रखिए आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश के अन्य नृत्यों को भी याद रखिए, ये प्रश्न आया हुआ था। तो कुचिपुड़ी है, विलासिनी नाट्यम है, आंध्र नाट्यम है, भामाकल्पम है, वीर नाट्यम दप्पू है, टपेता है, बुट्टा है, बोमुला है, याद रखिएगा, ठीक है। किस राज्य में हाल ही में अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? तो तमिलनाडु ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, इनके मुख्यमंत्री को भी याद रखें, एम के स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की। याद रखिए यदि आप लोगों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद करने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो करेंट की प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग करेंट 2023 लिखा हुआ है, उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको ये सभी तमाम तरीके की चीजें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कौन किस पद पर नियुक्त है, ये सभी आपको मिल जाएंगे। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के लिए, जयंती में एक साल से समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्लियर है। चलिए, एक योजना आई थी दोस्तों नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, लेकिन वो योजना क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन एक योजना आई हुई थी। प्रस्तावना सबसे पहले किस देश ने दी थी? तो अमेरिका, याद रखिए इसका आंसर अमेरिका है। यहां से अपन इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तावना के साथ सबसे पहले अमेरिका संविधान की शुरुआत हुई, भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का पालन किया है। प्रस्तावना शब्द संविधान के परिचय को संदर्भित कर देता है। प्रस्तावना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों, इससे पूरे संविधान का एक तरीके से निचोड़ हमको समझ में आ जाता है कि जो पूरा संविधान है वो किस आधार पर लिखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे में धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, है ना, तो ये जब शब्दों का पूरे तरीके से प्रयोग होता है तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ यार इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? एक सन से प्रश्न आया है, तो 1977 से 78 तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ये जितने प्रकार के भी कार्यक्रम होते हैं इनको आप लोग आराम से अच्छे से कर जाइएगा। विज्ञान में देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का, एक ये प्रश्न था। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। किस में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता? तो दोस्तों मैग्नेटाइट में, ऑप्शन में जो थे तो मैग्नेटाइट अधिकतम लोगों ने मैग्नीशियम मैग्नेटाइट की वजह से एक समझा होगा तो लगा दिया होगा, लेकिन दोस्तों मैग्नेटाइट में नहीं पाया जाता। 1 kg वाटर ओवर में कितना वजन होता है? एक इस तरीके का प्रश्न था पर क्लियर नहीं हो पाया, इसीलिए आंसर इसका अभी नहीं लिखा हुआ है। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने, किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। अजैविक घटक का भौतिक कारक है? तो जो अजैविक घटक के भौतिक कारक हैं वो कौन कौन से हैं? प्रकाश है, वायु है, मिट्टी है, पोषक तत्व हैं आदि, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। अजैविक घटक दोस्तों, मान लीजिए आप कहीं फंस जाते हैं तो एक बात को याद रखिएगा, अजैविक घटक वो घटक होते हैं जिनमें वृद्धि नहीं होती, जीवन नहीं होता ये तो क्लियर बात है, पर उनमें वृद्धि भी नहीं होती। वृद्धि का मतलब कि उनकी जो संख्या तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो परिमाण है वो हमेशा स्थिर ही रहता है। जैसे वायु कभी वृद्धि होती है, मिट्टी अपने आप ज्यादा बन जाती है, बताइए। इसके अलावा यदि और चीजें देखी जाए तो अगर मैं सूर्य के प्रकाश की बात करूं, है ना, तो वो क्या कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हो जाता हो? नहीं होता ना, वो उतना ही उनका नियत रहता है। तो इनको ही अजैविक घटक कहा जाता है, जिनमें जीवन नहीं होता लेकिन फिर भी ये लगातार कार्य करते हैं, इनको अजैविक घटक कहते हैं, क्लियर है। सिंदूर का दूसरा नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसको और अच्छे से यदि आप लोगों को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों इससे जुड़ा हुआ आता ही है पारिस्थितिकी तंत्र से, तो आप लोग जाइएगा, क्लास दी गई थी जिसमें जो 2023 में वन रक्षक को जेल प्रहरी में जीव विज्ञान की क्लासें चल रही हैं, उसी में ऊपर ही थंबनेल में आपको दिख जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। सर्च कर लेंगे ना आप बाय अभिषेक करके तो भी आ जाएगा, उसको यदि आप देख लेंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एक नंबर आप पक्का कर लेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, याद रखें। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? 71% है, बचपन से पढ़ रहे हैं। बेरियम की संयोजकता कितनी है? तो 2 है, क्लियर। चलिए,
कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच के गुण वाला एक मिश्रण जिसके कण विलयन में समान रूप से फैले हो कोलाइडी विलयन कहलाता है। ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती? तो दोस्तों याद रखिए, निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती, ध्वनि के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। यदि आप स्पेस में पहुंच जाए और आप सोचें कि मैं एक बात अपने दोस्त से कह दूं, तो आप हाथ हिला के इशारा करके समझा सकते हैं, पर आप बोल नहीं पाएंगे। बोलेंगे लेकिन वो आवाज उसके पास तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि माध्यम चाहिए, और चूंकि आप पृथ्वी पे हैं तो वायु माध्यम है, तो वायु के माध्यम से आवाज यहां से वहां चली जाती है। चलिए हिंदी में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे। तो दोस्तों रस से प्रश्न था, छंद से एक प्रश्न था, अलंकार से दो प्रश्न थे, शुद्ध वाक्य से एक, और तत्सम और तद्भव से थे। पल्लव किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक ये प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। तो पत्ता, पड़, ये कोपल और उरग, तो इस प्रकार के दोस्तों जो थे पर्यायवाची के ऑप्शन में थे, तो उरग इसका आंसर है, याद रखिएगा। क्या है? उरग। उरग पल्लव का पर्यायवाची नहीं है। उदीची का विलोम क्या है? तो अवाची, एक ये प्रश्न था। अगाई का विलोम क्या है? तो विदाई। एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी वैसी ही है जैसे कल आई थी, और हिंदी में बराबर बराबर से प्रश्न आ रहे हैं। इंग्लिश, इंग्लिश में PQR से देखा जाए तो 5 से 6 प्रश्न थे, ये 56 नहीं है दोस्तों, 5 से 6 प्रश्न समझिएगा, 5 से 6 प्रश्न है। एंटोनिम से 3 प्रश्न है, सिनोनिम से 2 प्रश्न थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 प्रश्न थे, मिस स्पिल्ड से अगर देखा जाए तो 2 प्रश्न, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 4 प्रश्न है, और वॉइस से 3 प्रश्न थे। तो इस तरीके से प्रश्नों का जो लड़कों ने बताया है, इस तरीके से प्रश्न इंग्लिश में आए हुए हैं। मैथ में देख लिया जाए तो सरलीकरण से दोस्तों 3 प्रश्न आए हुए हैं, बोर्ड मास से 1 प्रश्न था, SI से 1, CI से 1 यानी चक्रवर्ती ब्याज, और SI से और CI से 1-1 प्रश्न थे, है ना। लाभ हानि से 2 प्रश्न थे, औसत से 1 प्रश्न था, एलजेब्रा से 2 थे, वर्ग से 1, क्षेत्रमति से 2 है, नाव धारा से 1 प्रश्न था, बहुभुज से 1 प्रश्न था, और रेलगाड़ी से 1 प्रश्न था। यदि देखा जाए तो सभी को मिला के 1-2 1-2 इस तरीके के जो प्रश्न है वो आ रहे हैं। सरलीकरण से ज्यादा प्रश्न आते हैं, सरलीकरण से ज्यादा प्रश्न देने का ही मतलब उनका दोस्तों यही होता है, क्योंकि सरलीकरण थोड़ा क्या है, टाइम ले जाता है, और वो लोग टाइम मैनेजमेंट में ही आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो उनका एक हथियार है, वो है टाइम मैनेजमेंट। वो जानबूझ के ऐसे प्रश्न देते हैं कि टाइम में आप लोग फंसे, इसीलिए आप लोग टाइम को विशेष मैनेज कर चलें। तो चलिए दोस्तों आज अगर देखा जाए तो बच्चे लोगों ने जो बताया है कि उनके कितने कैसे क्या नंबर हैं, तो यदि एवरेज में बात करूं तो दोस्तों 60 से ऊपर अधिकतम लोगों ने नहीं बताया कि उनके नंबर हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 71-72 के पास में क्रॉस किया हुआ है, बाकी 60, और अधिकतम ऐसे हैं जो कि 49-50-55 इसी के आसपास में हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कि कल रहा। बस आज की अगर जीके की हम बात करें तो आज का जीके थोड़ा अन्य की अपेक्षा अलग था। क्लियर है? विज्ञान के भी बढ़िया प्रश्न थे, एक तरीके से देखा जाए तो बीच के प्रश्न है, ना ज्यादा कठिन है और ना ज्यादा सरल है। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, 1 घंटे बाद आपके लिए सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी मिल जाएगा। नमस्कार।